गाइज, प्याज काटने पर आंसू क्यों आता है? आंसू को नहीं आने से कैसे बचे जिससे कि आंसू नहीं आए और प्याज भी काट ले? इस वीडियो के अंत तक बन रहे आपको सारे मालूम चलेगा। बच्चे जो बतख के बच्चे होते हैं, वह जैसे कि बतख बोलता है, वह आवाज़ लगाता है, वह जैसे कि उसका आवाज़ बहुत गुनगुन करता है, लेकिन क्या जो बतख के बच्चे होते हैं उसका आवाज़ क्या सुनाई आपको देता है? क्या वह बोल सकता है? क्या वह गुनगुना सकता है? नहीं, बत्तख के बच्चे कभी नहीं गुनगुना सकते हैं, यानी कि जब तक वह कुछ सियाना नहीं हो जा रहे हैं तब तक नहीं बोल सकते हैं, नहीं गुनगुना सकते हैं। कौन ऐसा जीव जंतु है जो कि यानी कि वाटर पानी में वह जन्म लिया, यानी कि पानी में जन्म लिया, पानी में पोसाया, लेकिन वह 10 यानी कि 15 से 20 दिन के बाद अगर उसे पानी नहीं मिलता है तो उसे कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जन्म के समय उसे पानी मिलना अनिवार्य है, वह कौन सा जीव है? आप लोग भी जानते होंगे जी, मेढक। मेढक जिसे कि बेंग कहा जाता है देहाती भाषा में, मेढक। मेढक है जो कि पानी में जन्म लेता है लेकिन वह उसके बाद सूखने में भी रह सकता है। गाइज, कौन सा एक ऐसा जानवर है जो कि 100 सालों तक उसके बाद ही उसके अधिक जानवर मरे हैं? या नहीं कि कोई एक जानवर 100 साल बाद मरे गए, उसके बाद सारे पहले ही मर गए, लेकिन नहीं, अधिकांश जानवरों वह जो कि जिसका क्या नाम है वह 100 सालों के बाद ही मरे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे खतरनाक जानवर जो कि प्राचीन काल में कौन थे, डायनासोर। जो डायनासोर के प्रत्येक डायनासोर वह 100 साल बाद ही मरे हैं। गाइज, कितने प्रकार के लकड़ी हैं जिस पे खाना बनाए जाते हैं? अधिकतर जो देहातों में लकड़ियों पर खाना बनाया जाता है, वह कितने प्रकार के लकड़ियां हैं जिस पर खाना बनाए जा सकते हैं? मैं बता देना चाहता हूं कि जो जंगली वृक्ष वगैरह होते हैं या कोई भी फल पौधे वाले होते हैं जिसका खाना बनाया जाते हैं जिस लकड़ियों का, लेकिन कौन सा यानी कि कितने लकड़ियाँ हैं? वहाँ लगभग 2000 लकड़ियों है जो विभिन्न प्रकार के 2000 प्रकार के लकड़ी है जिस पर खाना बनाए जाते हैं। गाइज, क्या आपको पता है कि जंगली स्नेक यानी कि जंगली कोबरे, जंगली सांप और घरों के आसपास में सांप है उनमें जीवन यानी कि जीवन काल क्या अंतर है, यानी कि जिंदगी दोनों का अंतर है? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जंगली कोबरे होते हैं, जंगली सांप, उनका जीवन काल 20 साल लगभग है, 20 साल से अधिक ही है, लेकिन हमारे घरों के आसपास में जो सांप रहते हैं उनका जीवन काल कम है, उनका अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए सबसे अधिक जंगली कोबरे जीवन उनका है, यानी कि जिंदा सबसे अधिक जंगली कोबरे रहते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि कहीं कहीं फोटो यानी कि मूर्ति बनाया हुआ रहता है महापुरुषों का और घोड़ा पर बैठे रहते हैं। अगर आप देखें कि घोड़ा का आगे वाला पैर दोनों हवा में यानी कि जमीन से छोड़ा हुआ हवा में है तो आप समझे कि यह योद्धा युद्ध में मारा गया है, इसलिए इनका प्रतीक का घोड़े का आगे में है हवा में पैर है। दोस्तों, गूगल, गूगल को कौन नहीं जानता? गूगल, गूगल कंपनियां, गूगली ये भी कंपनी है, गूगले ये भी कंपनी है, गूगी ये भी कंपनी है, इसको गूगल ने खरीद लिया है। क्यों खरीदा है? अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर गूगली सर्च करे तो गूगल पर ही आए, गूगले सर्च करे तो गूगल पर ही आए, गूगू सर्च करे तो गूगल पर है, इसलिए वहाँ खरीद लिया है बाकी वेबसाइटों। दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? आप लोग कहेंगे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि भाग्यशाली है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो भाग्यशाली है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्रोएशिया, क्रोएशिया देश के फ्रेंसेलैक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जैसे कि बस दुर्घटना में बच गए, एयरप्लेन क्रैश में बच गए, ट्रेन टकराने पर बच गए, हेलीकॉप्टर टकराने से बच गए और 1,000,000 प्राइज भी जीत गए। इसलिए वह आप लोग एडिडास और पूमा कंपनियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक वीडियो पाने के लिए। पूमा और एडिडास कंपनी दोनों आपस में भाई हैं। जी हाँ, वह आपस में दोनों भाई हैं और वह दोनों आदमी का सपोर्ट होने के कारण, साथ मिलने के कारण वह कितने दोनों हाथों से नहीं लिख सकते हैं
और वो भी एक हाथ से इंग्लिश और एक हाथ से हिंदी एक समय में नहीं लिख सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो एक हाथ से ग्रीक शब्द और एक हाथ से लैटिन शब्द को लैटिन, एक हाथ से ग्रीक और एक हाथ से लैटिन शब्द को लिख सकते हैं। गाइस, जो हम लोग जो प्याज काटते हैं और प्याज काटते समय जो हम लोगों को आंसू आता है उससे कैसे बचे और आंसू क्यों आता है, मैं आपको बताता हूँ कि उससे बचने के लिए आप प्याज को दो भाग में काट दे और पानी में 10 से 15 मिनट रख दे और उसके बाद काटे तो आपको आंसू नहीं आएगा। उसके आंसू इसलिए आता है कि प्याज काटते समय जो गैस निकलता है वह आँख पर जाता है जिसका आँख के रिटेनर को ख़राब करता है, जो कि आँख अपने बचने के लिए आंसू का प्रयोग करता है और आंसू के माध्यम से उस गैस को बाहर निकलता है। इसी के कारण हमारे आंख से आंसू आने लगते हैं प्याज काटते समय। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।